नमस्ते, आज हम बनाएंगे एक अंडर वाटर फिंगर पेंटिंग, जिसके लिए हमें चाहिए एक पेज, वाटर कलर्स एंड कुछ स्केच पेन्स। वेलकम टू फन होम लर्निंग। तो चलिए फिर जल्दी से अपना पेज एंड कलर्स लेकर आ जाइए और हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से एक वेवी लाइन ड्रॉ करेंगे ब्लू स्केच पेन के साथ। ध्यान रखें, टॉप से थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आपको ये वेवी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे ओशन का टॉप है। अब आप एक ब्राउन स्केच पेन ले लीजिए और एक बोट ड्रॉ करनी है। इस तरह से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, दो कर्व लाइन ड्रॉ कर देनी है और बीच में हम डिज़ाइन के लिए दो सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं बोट के। ये बोट के फ्लैग्स हैं। अब आपको एक ब्लू कलर से क्लाउड ड्रॉ करना है और अपनी बोट को आप कोई भी कलर कर सकते हो। मैंने ब्राउन कलर किया है, आपकी मर्जी है। आपको रेड करना है, ब्लू करना है, आप कोई भी कलर कर लीजिए। अब अपने वाटर कलर लीजिए एंड देन अपने थंब पे आपको ग्रीन कलर अप्लाई करना है एंड फिंगर पे भी ग्रीन कलर अप्लाई करना है। इस तरह से आप थंब प्रिंट एंड फिंगर प्रिंट बना देंगे। अब मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, लाइट ब्लू। ये डल येलो कलर है, अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप येलो या ऑरेंज भी ले सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे फिंगर थंब प्रिंट्स आप एक साथ बना लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे फिशेस का ग्रुप चल रहा है साथ में। अब आप सी के बेस के लिए एक एसिमेट्रिक सी लाइन ड्रॉ करेंगे येलो कलर से। अब मैं पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ अपने थंब पे, इस तरीके से पिंक एंड देन पर्पल। ये बहुत सारे सी क्रिएचर्स हैं जो हम अभी, आप सिर्फ थंब प्रिंट लगाइए, फिंगर प्रिंट लगाइए, उसके बाद वीडियो के एंड में आपको मैं दिखाऊंगी इनको सी क्रिएचर्स में हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये डार्क ब्लू कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, डार्क ग्रीन कलर। ये कुछ फिशेस हैं, कुछ जेली फिशेस बनेंगी, कुछ क्रैब बनेंगे, तो आप देखते रहिए। ये रेड कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। नाउ अब मैं फिंगर में लगा रही हूँ, फिंगर से दो डॉट्स आप रेड के साथ ही लगा देंगे। तो सबसे पहला क्रिएचर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है एक टर्टल। तो इस तरह से आप ग्रीन कलर से उसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लेग्स एंड उसके फीट ड्रॉ करेंगे। नाउ मैं ब्लैक कलर से उसकी आईज एंड स्माइल एंड टर्टल के ऊपर जो एक डॉट्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करूँगी। उसके जो लेग्स के कलर है उसे हम क्रेयॉन के साथ ग्रीन कलर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट फिश ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू स्केच पेन के साथ। आप पहले आउटलाइन कीजिए, सॉरी फिश नहीं, ये ऑक्टोपस है। ब्लू कलर से आउटलाइन ड्रॉ करके हम इस तरह से ऑक्टोपस को ब्लू कलर के साथ ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर डॉट्स लगा देंगे। ऑक्टोपस की भी हम आईज, बिग बिग आईज एंड स्माइल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप रेड कलर से क्रैब को ड्रॉ कर लीजिए, क्रैब की दो बिग आईज, उसके लेग्स। फिशेस के फिन्स, टेल, आईज एंड स्माइल। उसके इस तरह से उसके डिज़ाइन होता है बॉडी के ऊपर, वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे ब्लैक कलर से। मैंने इसे आउटलाइन नहीं किया, आप आउटलाइन भी कर सकते हो। जिस कलर से आपने थंब प्रिंट लगाया उसी कलर से आप आउटलाइन भी कर सकते हो। ये सेम कलर की फिशेज हैं जो ग्रुप में चलती हैं, तो उन्हें मैं सबको येलो कलर से आउटलाइन करके उनके भी फिन्स एंड आईज एंड स्माइल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अंडर वाटर लुक देने के लिए इस तरह से लंबा लंबा ग्रास ड्रॉ करेंगे।
दो तीन जगह पे जितनी आपके पास स्पेस है आप इस तरह से लॉन्ग ग्रास ड्रॉ कर सकते हो एंड कुछ स्टोन्स ड्रॉ करेंगे। मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने कोने में स्टोन्स ड्रॉ करे हैं ब्राउन कलर से। तो हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है, नाउ इट्स कलर टाइम, लेट्स कलर आर पेंटिंग। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ऑल्सो प्लीज़ टेल मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।